लोगों के साथ एक मिनट वाली रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही फटाफट वाली, और वो भी एक नहीं 6 रेसिपी शेयर करूँगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रेसिपी शेयर करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आएगा उसको भी प्रेस करें, और बेल के बाद ऑल आएगा उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और आप उसका भरपूर लुत्फ़ उठा सकें। अब मैंने डार्क फैंटेसी ले लिए थे 3 से 4, और उसको तोड़ करके उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच दूध डाल करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और ब्लेंड करने के बाद 1 कप दूध डाल करके उसको भी ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें हर्षीज सिरप डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चॉकलेट भी डाल सकते हैं इसके अंदर अगर आपको पसंद है तो। और ये जो है इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक मग लेंगे और उसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे हर्षीज सिरप से, और उसके बाद जो हमने बनाया है वो डाल देंगे इसके अंदर। कॉफ़ी, डार्क फैंटेसी कॉफ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और आप इंजॉय करें बिल्कुल, और बच्चों और बड़ों सभी के लिए ये है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे, आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बिस्किट तोड़ करके, आप चाहे तो ये भी ऑप्शनल है बिस्किट तोड़ना, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो ऐसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने 2 से 3 बिस्किट को डाल दिया था तोड़ करके, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कॉफ़ी जो हमारी बहुत ही अच्छी सी दिख रही है, एकदम टेस्टी वाली, और उसके बाद मैं इस पर डालूँगी बिस्किट को तोड़ करके। अब मैं आपको नीचे से बिल्कुल दिखा रही हूँ, लुक वाइज देखने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिर भी गया था, तो 1 बिस्किट मैं तोड़ करके डाल दूँगी इसके ऊपर, और 1 डाल दूँगी इसके ऊपर साबुत बिस्किट पूरा का पूरा, ताकि देखने में ये और अच्छा लगे। और हाँ, मेरा बेटा मान नहीं रहा है तो इस पर भी सिरप वो ज़रूर डालेगा, तो मैंने थोड़ी सी सिरप डाल दी है, और ये जो है हमारी बिल्कुल कॉफ़ी तैयार हो चुकी है, डार्क फैंटेसी कॉफ़ी। तो आप इंजॉय ज़रूर करें, और हाँ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमारी आगे की रेसिपी है चॉकलेटी मैंगो मिल्क शेक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंगो को अच्छे से धो करके हम इनको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम इनके पल्प निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। फ्रेंड, ये सारी की सारी रेसिपी ऐसी है जो आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद है, आप उसी से बना सकते हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके घर में नहीं हो और आपको बाहर जाना पड़े, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे राधा जी ने सही बताया नहीं गलत बताया, इसीलिए हमारी रेसिपी तो बिगड़ गई, तो इसके लिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अब हम आम के सारे पल्प निकाल करके, और थोड़े से 1 आम के चंक्स को मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रही हैं वीडियो में, उसको साइड कर दिया है। अब ये आम के पल्प को हम अच्छे तरीके से प्यूरी बना लेंगे, बिल्कुल एक बारीक सा जैसी प्यूरी बनती है ना वैसी बना लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आइस डालूंगी, और वो भी ऑप्शनल है, और आइस के साथ साथ 1 कप दूध डालूंगी, और उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, आप टेस्ट के हिसाब से डालें। और एक सीक्रेट चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने आइस जमने के लिए रखा था आइसक्रीम कोन में, लेकिन वो जमा नहीं, इसके लिए ये आइस ऐसा दिख रहा था, तो ये सीक्रेट है जो भी मैंने आपके साथ बता दी। अब एक ग्लास ले लिया है, और इसको भी सिरप से डेकोरेट कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा डाल करके, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो ये ज़रूर पीजिएगा आप बना करके। ये सारी की सारी जो है बिल्कुल क्विक वाली रेसिपी है, और ये हमारी जो है ना बहुत क्विक के साथ साथ टेस्टी भी है, और इसका नाम मैंने दिया है चॉकलेटी मैंगो मिल्क शेक। जी हाँ फ्रेंड, तो इसके अंदर मैंने अभी जो शेक बनाया था वो डाल दिया है, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर इसका लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा उसके ऊपर प्यूरी डाल दूंगी, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सिरप डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालना है, आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो मत डालें। और ये हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसी में मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, जो हमने चंक्स को कट करा था वो मैं ग्लास में डाल दूँगी, और उसके ऊपर से ये जो मैंने शेक बनाया है वो डाल दूँगी, तो ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये मैंगो शेक, देखने में भी और पीने में भी। अब एक सीक्रेट बता दूँ, अब दूसरा ग्लास जो है थोड़ा सा खाली रह गया है, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम सब जुगाड़ू ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, तो देखिए अभी इसको भर देते हैं जादू से। तो जो चंक्स था ना हमारे कटे हुए जो बच गए थे, उसको मैंने दो से तीन चम्मच डाल दूंगी, तो अपने आप भर जाएगा और ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया ना हमारा जुगाड़। देखिए अब दोनों ग्लास भर गई, अभी आप बताइए कौन सा ग्लास खाली है।
तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जब आप पियेंगे ना तो इसके अंदर जो चंक्स डाला है हमने और मुंह में आता है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका डबल हो जाता है। तो बिल्कुल क्विक वाली है और घर बैठे आप इंजॉय कर सकते हैं। अब बाहर नहीं जाना है, बाहर की चीज़ें कुछ नहीं मिल रही है और मिले भी तो खाना नहीं है, तो इसलिए घर में ही ऐसी ऐसी क्विक वाली रेसिपी बना करके और इंजॉय करते हैं। ये तो ऐसी रेसिपी है जो बच्चे भी बना लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप इंजॉय ज़रूर करें। और हाँ, मेरा बेटा बोला जो इसके अंदर जेम्स की डाल दो, तो वो एक पैकेट ले आया, तो ये मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके बच्चे भी ज़िद करें तो आप ज़रूर डालें। और दूसरे पे मैंने सिरप डाल दिया था। अब आगे की हमारी है कोल्ड कोको। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लेंगे एक कप दूध, एक कप ग्लास, किसी भी चीज़ से आप ले लें, और इसको बहुत अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। और इधर हमने लिया है 2 चम्मच लिया है कोको पाउडर, और कोको पाउडर में हम डालेंगे, कोको पाउडर लिया है और इसके अंदर हमने लिया है क्या वो जो डार्क, वो सूखी हुई जो पाउडर आती है ना दूध की ड्राई वाली पाउडर, वो 2 चम्मच डाला है। और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं दूध बॉयल हो चुका है, अब मैं डालूँगी इसके अंदर चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और जो हमने वो पाउडर, सूखी हुई पाउडर था और ये कोको पाउडर था ना, दोनों को जो मिक्स किया था उनको डाल दिया है अच्छे तरीके से दूध में। और दूध में डालने के बाद हम इसको अच्छे से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जो ये हमारा मिल्क पाउडर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट देता है, एकदम क्रीमी क्रीमी वाला। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो इसके अंदर ना मलाई 1 चम्मच डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं डाल दी हूँ डार्क चॉकलेट। अच्छे से इसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, हाथ बिल्कुल रोकना नहीं है, हाथ रोकेंगे दुर्घटना घटेगी। और इसको अच्छे से हम मिक्स करके और बिल्कुल इसको ठंडा होने के लिए ना एक बाउल में रख देंगे, बिल्कुल फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। उधर वो ठंडा हो रहा है और इधर ना बेलन से तोड़फोड़ कर लेते हैं। तो ये मैंने आइस निकाला है और थोड़ी सी तोड़फोड़ कर लिया मैंने। अब आइस निकाल के ले एक बड़े से बाउल में आइस को चूर करके एकदम अच्छे तरीके से और तोड़ तार के बिल्कुल बराबर कर दिया है। और 2 ग्लास लिया है मैंने, 2-2 चम्मच डाल देंगे, 1-1 2-2 चम्मच, थोड़ा थोड़ा ही डालना है आप अपने हिसाब से। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम। लेकिन ये कोल्ड कॉफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आइस के साथ। कोल्ड कोको वाली है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो इस तरीके से पियेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप सोच रहे होंगे कितना गाढ़ा है, लेकिन फ्रेंड इसमें आइस डालने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसमें भी सिरप मैंने थोड़ा सा डाल दिया। आप बोलेंगे सिरप डे है आज क्या राधा जी, तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को पसंद है इसके लिए डालते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ब्लैक ग्रेप्स जूस बनाना स्टार्ट किया है। उसके लिए मैं सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक डाल के और पानी डाल दूँगी। और इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्रेप्स को डाल देंगे। ग्रेप्स हमने पहले से धो लिया है, लेकिन फिर भी इसके जो थोड़े कड़वापन जो होते हैं ना, इसके लिए हमें इसके अंदर ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद हमने ये लिया है जो अदरक का रस करने वाला, और इससे बिल्कुल बारीक जो है सब ग्रेप्स को कर लेंगे। अच्छा होता है इससे, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन अच्छा होता है। तो मैंने पहले ही करके रख लिए थे क्योंकि मुझे 1 मिनट में बताना था ना इसके लिए। अब हमने क्या करना है, 1 जार में चीनी ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से छान लिए थे, और ये जो दूसरा छिलका थोड़ा बच गया था ना उसमें भी मैंने पानी डाल करके थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया चीनी डाल करके, तो उससे चीनी का मिठास भी आ गया और जो एक्स्ट्रा जो ब्लैक ग्रेप्स का था वो भी आ गया है जूस। अब ये जूस को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे काला नमक, और 1/2 चम्मच शहद डालेंगे इसके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार वाली एकदम अच्छी वाली डालेंगे इसमें नींबू। जी हाँ, 1/2 नींबू का रस निचोड़ दें। और हाँ, आपको अगर पुदीना पसंद है ना तो आप ज़रूर डालें। अब इसमें 1-1 ग्लास में मैंने 1-1 आइस डाल करके और ये जो हमने जूस बनाया था वो मैंने डाल दिया है। ब्लैक ग्रेप्स जूस हमारा रेडी है, तो आप इंजॉय ज़रूर करें। अब मैं बनाने जा रही हूँ ऑरेंज स्मूदी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑरेंज का जूस निकालना होगा। तो ऑरेंज का हम जूस इस तरीके से निकाले। और हाँ फ्रेंड, ये सब तरीका मैंने जूस निकालने का, जूस मैंने पहले ही निकाल लिया था और जो ग्रेप्स था हमारा पहले ही कर लिया था, तो इसीलिए ये 1 मिनट में रेडी हुआ है। अब हमने दही को अच्छे से छानने के लिए रख दिया था, उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अब पानी निकलने के बाद हम एक बाउल में दही को ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हमारा जूस भी निकल चुका है, उसको भी हमने
छान लेना है इसी छन्नी में, अच्छे तरीके से जूस को भी छान लेना है क्योंकि उसमें बीज और थोड़े से जो पल्प आ ही जाते हैं इस तरीके से। अब हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसको भी छान लेंगे इसी में, और जितना हमें ज़रूरत है उतना ही लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाना है, पतला बिल्कुल नहीं, अच्छे से मिक्स करके। और मिठास के लिए कंडेंस मिल्क डालना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी पाउडर ज़रूर डालें। अब चीनी, साबुत चीनी ना डालें, वो जल्दी मिक्स नहीं होता है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है झटपट से। अब हमने ऑरेंज लिया है, ऑरेंज के पीसेस, और इसको डेकोरेट कर देंगे। और थोड़ा सा ग्रेप्स रखा था क्योंकि बहुत अच्छा इसका जो है कलरफुल अच्छा टेस्ट आता है इसके लिए। तो ये हमारी स्मूदी जो है रेडी हो चुकी है। अब है हमारी आगे की रेसिपी, बनाना मिल्क शेक। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा पका हुआ बनाना, जैसा कि आप देख सकते हैं इनको अच्छे से कट कर लेंगे। मैंने दो बनाना लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी कोको पाउडर, आप इसमें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको ना हम अच्छे तरीके से कंडेंस मिल्क डाल के मिठास के लिए डालेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी पाउडर या चीनी डालें और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये जो है हमारा बिल्कुल बनाना मिल्क शेक रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें दूध डाल सकते हैं, लेकिन दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा बनाना मिल्क शेक रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा मैंने इस पर चॉकलेट डाल दिया है, ऑप्शनल है बिल्कुल, आप डालें या ना डालें। ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों से लेकर के बड़े तक इंजॉय करें। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, रिक्वेस्ट है प्लीज़।